तीन उपचुनावों को जीतने के लिए वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूरी सरकार को दांव पर लगा दिया। हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार जगह जगह बैठकर दादागिरी के साथ साथ पैसे बांटने का काम, शराब बांटने का काम, ये पूरी तरह से सरकारी मशीनरी कर रही है। नाम कांग्रेस का है, काम सरकारी मशीनरी कर रही। देहरा की घटना, होशियार सिंह के पीछे अननोन पर्संस और असला लेकर के चल रहे हैं लगातार, ये हमारे उम्मीदवार की जान के ऊपर खतरा है। और किस समय किस प्रकार की वारदात कर बैठेंगे, परंतु ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी को इससे कुछ नहीं लेना, उनको तो केवल धक्के से हो, जोर जबरदस्ती से हो, पैसे से हो, धन बल से हो, और ये चुनाव जीतना है, उसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जान पर बनाए। इस प्रकार से ये सत्ता का संपूर्ण दुरुपयोग करके चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे। मेरी विनती, मेरा आग्रह, देहरा विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से है कि इनकी धमकाई में, इनके डर में, भय में और लोकतंत्र की हत्या मत करें। आपके सेवक के रूप में होशियार सिंह, आशीष और केएल ठाकुर बेहतरीन उम्मीदवार हैं और सरकार को उनकी करनी का फल चुकाने का समय है। आप अपने वोट की ताकत से सरकार को बाध्य करें कि वो जो झूठी गारंटियों का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया है उनको पूरा करें।